गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नेम है मैटर एंड मटेरियल। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, पदार्थ जिसको बोलते हैं, और मटेरियल मीन्स होता है सामग्री या फिर कोई भी वस्तु। सामग्री, ठीक है। तो सामग्री, मटेरियल मीन्स होता है सामग्री, ठीक है। आगे देखिए, आगे है यहाँ जो दिखाई दे रहा है एट अ ग्लांस, इसमें है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है या फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि मैटर, सेकंड है मैटर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट है सॉलिड्स, फिर है लिक्विड, गैसेस एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर एंड मटेरियल। ये सारे जो पॉइंट्स हम रीड आउट करेंगे। तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें। आगे है इन द बिगनिंग, फर्स्ट लिखा है इसमें एक यहाँ पे गर्ल दिखाई दे रही है, इसमें क्या लिखा है पॉइंट, आई एम थर्स्टी, आई एम सो थर्स्टी, मैं क्या हूँ बहुत प्यासी हूँ। फिर आगे वाले पॉइंट में बता रहा है कि आई एम गोइंग टू हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड लेमोनेड, ये बोल रही है कि मैं एक ठंडा न्यू पानी का ग्लास लेने जा रही हूँ। फिर यहाँ पर है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद इसको याद आता है, क्या याद आता है देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है हे वेयर डिड माई आइस क्यूब्स गो, कि मेरी आइस क्यूब्स जो थी वो कहाँ चली गई। यहाँ पे इसने डाले थे ना ऊपर, यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड इसने आइस क्यूब निकाले हैं, ये जो दिख रहा है आपको आइस क्यूब्स निकाल रही है ये। तो यहाँ पर ये नीचे बोलती है कि मेरी आइस क्यूब्स जो थी वो कहाँ गई, कहाँ गई, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं, ओह आई नो द क्यूब्स हैव डिसअपीयर्ड बिकॉज आइस हैज़ चेंज्ड इनटू वाटर, कि जो आइस क्यूब्स हैं वो अब गायब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर में चेंज हो गई हैं, इसलिए गायब हो गई हैं, ठीक है। आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस और वाटर जो हैं वो दो क्या हैं, फॉर्म्स हैं, वाटर के ही दो फॉर्म्स हैं। देयर आर अदर मटेरियल्स टू दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि आइस और वाटर का ही देख लो, एक से ज़्यादा फॉर्म में इसकी आइस अलग होता है, वाटर अलग होता है, लेकिन टाइप्स ऑफ वाटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आगे पॉइंट है इसमें, दीज फॉर्म्स कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, लेट्स लर्न मोर अबाउट देम, ठीक है। ये एक से ज़्यादा फॉर्म्स ले सकते हैं, जैसे कि हमें आगे रीड करना है। इसमें पॉइंट वन है मैटर, मैटर क्या होता है, इसे मैंने भी बताया, मैटर क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका पदार्थ है, ठीक है। देखिए जैसे कि और एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर एंड मटेरियल्स, हमारा जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरीके से क्या है, एनवायरमेंट जो है मैटर और मटेरियल से घिरा हुआ है, बना हुआ है, या फिर इसमें क्या है, मैटर और मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो सी वेरियस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ऑल ऑफ देम लुक एंड फील डिफरेंट, ये सारी क्या है, अलग अलग दिखाई पड़ती हैं हमको, ठीक है, अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। कोई भी चीज़ ले लो आप, जो भी चीज़ अपने आसपास आप देखते हो सारी अलग अलग दिखाई देती है ना, ठीक है। सम आर हार्ड एंड रफ वाइल अदर्स आर हार्ड एंड शाइनी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, रफ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो हार्ड होती हैं लेकिन साथ साथ शाइनी होती हैं, ठीक है। आगे है सम आर सॉफ्ट एंड कैन बी स्ट्रेंच्ड, कुछ सॉफ्ट होती हैं जिनको आसानी से खींच तान कर बड़ा किया जा सकता है। दीज वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस शेप्स एंड कलर्स, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो अलग अलग शेप साइज और कलर की हो सकती हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स अपीयरेंस एज वेल एज बाय इट्स टेक्सचर, जो भी ऑब्जेक्ट है वो
हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके जिस तरीके से वो दिखाई पड़ता है अपीयरेंस से, और साथ ही उसके टेक्सचर जो है उसका कैसी बनावट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल ऑफ देम हैव मास। सभी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, कुछ जगह घेरती हैं जिनको क्या बोला जाता है, उसका मास बोला जाता है। ठीक है, अब मास देखते हैं क्या होता है। मास शो हाउ मच ऑफ इट इज देयर इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज ऑफ, ठीक है, मास शोज हाउ मच ऑफ इट इज देयर इज एन ऑब्जेक्ट। कि मास क्या बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, जो भी वो जगह घेर रही है। जैसे कि मान लो मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, इसने कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई किया है ना, कुछ जगह ली है, इसे क्या बोलेंगे, इसका मास बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, दिस क्वांटिटी ऑफ मास इज कॉल्ड मैटर। इसी ये जो क्वांटिटी है मास की, उसे ही क्या बोलेंगे, मैटर बोला जाता है। जो भी वो जगह घेर रहा है, जितनी भी जगह घेर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड अस लाइक एयर, वाटर, रॉक्स एंड इवन योरसेल्फ। मैटर क्या होता है, जो भी चीज़ आप अपने चारों ओर देखते हो, जैसे कि एयर हो गया, है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, रॉक्स हैं, इवन योरसेल्फ, और यहाँ तक कि आप भी कुछ ना कुछ जगह तो घेरते ही हो। अगर कहीं भी खड़े हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जगह तो घेरी हुई है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैटर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। जो मैटर होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स टेक स्पेस, हैव मास एंड आर रेफर्ड टू एज मैटर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो जो स्पेस लेती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, मास होता है, और वो डिस्क्राइब करते हैं मैटर्स। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स क्या होते हैं, जैसे कि है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर काइंड ऑफ मटेरियल। मैटर जो है एक से ज़्यादा तरीके के मटेरियल्स से बनता है। ऑल काइंड ऑफ मटेरियल आर फॉर्म्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैंने लाइन करी, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर एक लाइन बन रही है ना, इसी तरीके से कोई भी चीज़ होती है तो वो छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अ टिनी पोर्शन ऑफ अ मटेरियल हैज़ मिलियंस ऑफ सच पार्टिकल्स। एक छोटा सा जो मटेरियल होता है, छोटा सा कोई भी मटेरियल हो गया या छोटा सा पोर्शन, उसमें क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सच पार्टिकल्स, जो पार्टिकल होते हैं बहुत सारे होते हैं। एक मान लो ये छोटा सा है, ये मैंने ऐसे बनाया ना, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इनको मिल करके बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, विच आर मेड अप ऑफ एटम्स, जो कि एटम्स से बनते। एटम्स मीन्स ही होता है पार्टिकल्स, एटम्स पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, एटम्स को ही हम पार्टिकल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल मटेरियल्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेट्स। जो भी मटेरियल है वो तीन पार्ट्स में अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड एंड थर्ड है गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये क्या है, तीन फॉर्म में हमारे अर्थ पर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी मैटर जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करेगा ना, तो उसके कुछ अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कोई मैटर है या फिर कोई एयर है या फिर लिक्विड है या गैसेस है या सॉलिड है, उससे हम पता चलेगा। किससे पता चलेगा, जो उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके थ्रू हमें पता चलेगा।
ठीक है। आगे देखिए, इन द अबव पिक्चर ऑफ अ फिश एक्वेरियम, ये जो फिश एक्वेरियम दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें तीनों फॉर्म्स हैं, तीनों फॉर्म हैं, ये लिखा है ना, ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर आर प्रेजेंट, द ग्लास एक्वेरियम इज सॉलिड, जो ग्लास का जो एक्वेरियम है, ये जो कांच का जो एक्वेरियम है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है। नेक्स्ट है द वाटर, जो वाटर होता है वो क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर जो वाटर फील्ड है, ठीक है, वो क्या है, वो लिक्विड है। एंड द एयर बबल्स आर गैसेस, जो एयर बबल्स हैं वो क्या है, गैसेस हैं, ठीक है, जो एयर के जो बबल्स बनते हैं ऐसे, जो फिश बनाते हैं एयर बबल्स, ठीक है, वो क्या है, गैसेस के फॉर्म शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू। 10 मिनट की बन गई।